हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अभिषेक कोचिंग यूट्यूब चैनल। और आइए बात करते हैं इस वीडियो में, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी वीडियो है आप लोगों के लिए, आप सभी लोगों के लिए जो रेलवे भर्ती बोर्ड की एग्ज़ाम देने वाले हैं या फिर फ्यूचर में कभी भी देने वाले हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक ज़रूर देखें, ये आज की बहुत बड़ी न्यूज़ है। तो इसलिए भी इस वीडियो को लाइक कीजिए और आगे बढ़ते हैं। रेलवे भर्ती को लेकर बड़ा बदलाव, रेलवे भर्ती को लेकर बड़ा बदलाव, इतने साल से जो चल रहा है, 150 साल से रेलवे भर्ती, रेलवे का जो सिस्टम चल रहा है, कर्मचारी की जो भर्ती हो रही है, इसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। अब इसका जो भर्ती होगा वो एक नया तरीका से होगा। अब यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा सुन के ही डर लग रहा है। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के जरिए होगी रेलवे की भर्तियां। अब रेलवे की जो भर्ती होगी वो यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के जरिए होगी। आइए हम जानते हैं इस वीडियो में यही सब चीज़ के बारे में, फिर हम आपको बताते हैं कि क्या सब होगी। इसमें जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है, ये जो न्यूज़ मैं लाया हूँ वो हिंदुस्तान की तरफ से वो न्यूज़ है, इसलिए ये फेक न्यूज़ नहीं है, बिल्कुल सही न्यूज़ है। और उसके बाद ये हिंदुस्तान की तरफ से ये न्यूज़ है, ये बिल्कुल इसके वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं हिंदुस्तान लाइव पे। और वी के यादव जो है वो आरआरबी के चेयरमैन है अभी। आरआरबी के चेयरमैन अभी कौन है? वी के यादव ने हिंदुस्तान न्यूज़ को बताया है कि ये सब चीज़ें होने वाली है। उसके बाद देखिए, 5 कैटेगरी बनाई, यानी कि 5 डिपार्टमेंट बनाया गया है जिसमें आप एग्ज़ाम दीजिएगा। इसमें देखिए, यूपीएससी में जिस तरह से होती है, सबसे पहले पीटी टेस्ट होती है, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा। इस प्रारंभिक परीक्षा के बाद जो यूपीएससी मेंस आयोजित करता है, इंटरव्यू आयोजित करता है, उसी तरह से यहाँ पे होगा। लेकिन यहाँ पे बहुत बातें क्लियर नहीं किया गया है, यहाँ पे सभी बातें क्लियर नहीं किया गया है। और ये एक तरह से इतना चीज़ बताया गया है उसका बहुत सारे सवाल यहाँ पे छोड़ दिया गया है, और वही सब सवाल हम आपके तरफ से यहाँ पे लेकर आएंगे। और हम इस वीडियो के माध्यम से रेलवे भर्ती बोर्ड और सरकार से ये सवाल पूछेंगे कि आप ये सब चीज़ कैसे कर पाओगे। तो जैसे ही एक नई अपडेट आएगी, हम उसके लिए एक नया वीडियो लेकर आपके पास हाजिर रहेंगे। इसलिए आप लोग सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो देखिए, यहाँ पे 5 कैटेगरी, यहाँ पे देखिए, मेरे को समझ में ये नहीं आ रहा है कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के जरिए यहाँ पे क्या है। मैंने उस पूरा आर्टिकल को पढ़ा था, यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा होगा। वहाँ पे यूपीएससी में किस तरह से परीक्षा होती है? पीटी होती है, मेन्स एग्जाम होती है, और उसके बाद होती है इंटरव्यू। पीटी, मेन्स और इंटरव्यू, जबकि ये सब चीज़ का चर्चा है ही नहीं। हो सकता है, ऐसा हो सकता है यूपीएससी रेलवे की परीक्षा करवा ले, यूपीएससी रेलवे की परीक्षा करवा ले, ऐसा हो सकता है। लेकिन यूपीएससी के जैसा होगा रेलवे की परीक्षा, ऐसा बिल्कुल इम्पॉसिबल है। मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल इम्पॉसिबल है। यूपीएससी में 4-5 लाख स्टूडेंट होते हैं तो उसका वो करवा सकता है, लेकिन रेलवे में 3 करोड़ से भी ज़्यादा स्टूडेंट है, रेलवे में 3 करोड़ से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं। बड़ी से बड़ी कंपनियां पिछले 1 साल से लगी हुई रेलवे के एग्ज़ाम को करवाने के लिए, अब तक वो नहीं करवा पा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है ये सब सरकार का एक तरह का जुमला है जो स्टूडेंट को परेशान करने के लिए है एक तरह से। लेकिन आपको इसके बारे में जानना जरूरी है, 3 करोड़ स्टूडेंट का रेलवे, ये यूपीएससी किस तरह से एग्जाम लेगा। और अगर आप लोग सोच रहे हैं इस सबका इंटरव्यू भी होगा, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि 800-900 की भर्ती करनी होती है यूपीएससी को, तब वो करवा सकता है। लेकिन यहाँ पे इतनी भर्तियाँ होगी वो मुझे समझ में नहीं आ रही, क्योंकि स्टूडेंट की संख्या कितना है? करोड़ में है, 3 से 4 करोड़ के बीच में स्टूडेंट की संख्या है, और आने वाले समय में ये और भी ज़्यादा बढ़ते जाएगी। तो इस वीडियो में बिल्कुल बने रहिए, हम सब कुछ यहाँ पे क्लियर करेंगे, और हम अगले न्यूज़ का वेट करेंगे कि इसके बारे में ये आगे वीके सिंह कुछ बोलता है या फिर सरकार का आदमी कुछ बोलता है या फिर नहीं बोलता है। तो देखिए, यहाँ पे 5 कैटेगरी होगी, ये 5ों कैटेगरी क्या होगी ये बात तो मेरे को समझ में आ रही है। ऐसा इसमें बताया गया है कि सबसे पहले आपका पीटी टेस्ट हो, यानी कि प्राइमरी परीक्षा होगी। इस प्राइमरी परीक्षा के बाद, यानी कि आपको सभी, यानी कि रेलवे भर्ती बोर्ड के, रेलवे में जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं, जो भी स्टूडेंट इसमें भाग लेना चाहते हैं, आप रेलवे में नौकरी करना चाहते हैं, तो आपको एक एग्जाम से गुजरना पड़ेगा। यानी कि आपको एक प्राइमरी टेस्ट देना होगा,
यानी कि पीटी टेस्ट, आपको एक एग्जाम देना होगा, आपको एक परीक्षा देनी होगी। चलिए ठीक है, मैंने इस परीक्षा को दे दिया। इस परीक्षा को क्वालिफाई करने वाले स्टूडेंट जो है वो अगले स्टेज में पहुंचेगा। अब इस अगले स्टेप में क्या, इसमें बताया गया है कि आपको 5 विकल्प मिलेगा, आपको 5 विकल्प मिलेगा, यानी 5 में से कोई एक आपको सेलेक्ट करना होगा। लेकिन यहाँ पे सवाल फिर से निकल के आती है। पहले मैं आपको ये 5 लिख के बता देता हूँ, उसका फिर मैं सवाल बताता हूँ। जैसे कि सबसे पहला जो है वो सब डिपार्टमेंट बनाया गया है, जैसे कि देखिए सिविल, दूसरा मैकेनिकल, तीसरा जो बनाया गया है वो है टेलीकॉम, चौथा जो है वो है इलेक्ट्रिकल, और पांचवा जो है वो है नॉन टेक्निकल। नॉन टेक्निकल यानी ये सब जो है टेक्निकल में 4, यानी इंजीनियरिंग में 4 और नॉन इंजीनियरिंग में सिर्फ और सिर्फ 1, जो बाद में की बच गया वो 1, जिसमें कि सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, टेलीकॉम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और नॉन टेक्निकल नॉन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, यानी कि नॉन टेक्निकल, यानी कि इसमें। तो अब देखिए, चलो ये 5, अब स्टूडेंट को बोला जाएगा कि प्राइमरी टेस्ट के बाद ये 5 को आप सेलेक्ट करो। तो चलो ठीक है, अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जब हम जितने भी टेक्निकल वाले हैं वो सब के सब नॉन टेक्निकल के लिए भी एलिजिबल हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि मैकेनिकल के लिए भी एलिजिबल होते हैं और वो इलेक्ट्रिकल के लिए भी एलिजिबल होते हैं। बहुत सारे ऐसे जो टेलीकॉम में भी एलिजिबल है और इलेक्ट्रिकल में भी एलिजिबल है और नॉन टेक्निकल में भी एलिजिबल है। तो यहाँ पे किसी स्टूडेंट के मौलिक अधिकार को ये कैसे छीन पाता है रेलवे भर्ती बोर्ड? जैसे मौलिक अधिकार ये है कि हमने अगर बीटेक से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रखा है तो हमको BA यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट के बराबर भी, यानी नॉन टेक्निकल में भी हम फॉर्म भर सकते हैं और टेक्निकल में भी फॉर्म भर सकते हैं। तो वैसे स्टूडेंट को दोनों जगह पे मौका मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये बात बोल रहा है कि आप किसी एक को आप सेलेक्ट करोगे, तो इसलिए मुझे ये थोड़ा सा और भी ज़्यादा पेचीदा होता हुआ यहाँ पे हमको दिख रहा है। इसका बहुत सारा विरोध होगा इसके बारे में और ये स्टूडेंट इसको मानेगा। वैसे ये बिल्कुल शुरुआती स्टेज में है, लेकिन हमारे इस सरकार के बारे में तो आप लोगों को पता है, पहले ये नियम बनाती है उसके बाद डिस्कस करती है, पहले ये नियम बनाती है उसके बाद ये डिस्कस करती है, अभी की मौजूदा सरकार। अब देखते हैं आगे क्या सब होगा। यानी ये 5 कैटेगरी बना दिया गया, अभी फिलहाल इतना ही न्यूज है कि प्राइमरी टेस्ट के बाद आपको 5, यहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेगा, आप जिसके लिए भी एलिजिबल है उसको आप फॉर्म भरिए। अब ये नहीं बताया गया कि ये 5 के बाद क्या वो फिर से मेंस एग्जाम लेगा या फिर उसके बाद फिर इंटरव्यू लेगा। मुझे ऐसा लग रहा है जब यहाँ पे ये UPSC सिविल सेवा परीक्षा के जरिए यहाँ पे बोल रहा है तो इसके बाद हो सकता है, ऐसा रेलवे की तरफ से भी नहीं लिखा गया है और हम भी इस बात की कन्फर्मेशन यानी कि पुष्टि नहीं कर रहे। प्राइमरी टेस्ट के बाद आपको किसी एक को सेलेक्ट करवा दिया जाएगा, उसके बाद जब यहाँ पे UPSC सिविल सेवा परीक्षा बोल रहा है तो उसके बाद हो सकता है आपके डिपार्टमेंट का, सिविल का हो, मैकेनिकल का हो, टेलीकॉम का हो, इलेक्ट्रिकल का हो और नॉन टेक्निकल का हो, ये सब का आपको मेंस एग्जाम ले और इसके बाद आपका इंटरव्यू ले, ऐसा हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे UPSC सिविल सेवा परीक्षा बोल रहा है, जबकि ऐसा कुछ बताए ना कि इसके बाद फिर मेंस एग्जाम होगा या फिर इंटरव्यू होगा। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जब ये बने थे प्रधानमंत्री, तभी ग्रुप सी के पोस्ट के लिए इंटरव्यू शब्द को हटा दिए थे, इंटरव्यू शब्द को हटा दिए थे। रेलवे भर्ती बोर्ड काम पर फोकस करता है, इंटरव्यू पर नहीं। इसलिए रेलवे में अभी लगभग में जो भी भर्तियां निकलती है डायरेक्ट भर्ती में, किसी में भी इंटरव्यू नहीं लिया जाता है। लेकिन अब जब इंटरव्यू लिया जाएगा, यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि स्टूडेंट का रिएक्शन क्या होता है। स्टूडेंट लोग इसका जरूर से जरूर विरोध करेगा और मुझे पूरा पता है इसका विरोध हो जाएगा और ये सब चलने वाला है नहीं। क्योंकि बिल्कुल जो सिंपल सा जो तरीका है रेलवे में भर्ती होने का, वो अभी जो मौजूदा है यही है। और ये जब सिंपल तरीका
जब इससे हो नहीं पा रहा है तो फिर इतना पेचीदा तरीका उससे कैसे हो पाएगा। यहाँ पे सॉल्यूशन सिर्फ एक है और यहाँ पे प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा है। तो हमने इस पांच कैटेगरी के बारे में बात कर लिया। उसके बाद आइए हम बात करते हैं IRMS के बारे में। IRMS के बारे में एक बिल्कुल न्यू वीडियो हम बनाएंगे बिल्कुल, और उसके बारे में अभी आपको बिल्कुल थोड़ा सा एक बात बता देते हैं। देखिए IRMS इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवेज मैनेजमेंट सर्विसेज। यानी कि अभी जो है भारत में जो सिस्टम चल रही थी, ये टोटल आठ डिपार्टमेंट, यानी कि आठ डिपार्टमेंट जो है वो पूरे रेलवे सिस्टम को चला रही थी। आठ डिपार्टमेंट जिसमें कि डिब्बा बनाने से लेकर के एक एक चीज़ के लिए आठ डिपार्टमेंट जो थी वो पूरे रेलवे को चला रही थी। तो यानी कि आठ डिपार्टमेंट का फिर आठ चेयरमैन होता होगा, आठ चेयरमैन यानी कि सबका डिसीजन मेकिंग के लिए एक अलग से था, लेकिन सबको कंबाइंड करके ये सभी आठों को मिला करके इसका पूरे का पूरा रेलवे सिस्टम का सिर्फ एक ही चेयरमैन होगा, वो एक ही डिपार्टमेंट होगा जो कि होगा IRMS इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज। इससे पहले भी थी IRMS लेकिन वो था इंडियन रेलवेज मेडिकल सर्विसेज, लेकिन अभी जो है बिल्कुल IRMS जो कि है इंडियन रेलवेज मैनेजमेंट सर्विसेज। ये सरकारें देखते हैं आगे इसका क्या असर पड़ता है रेल भर्ती पे, और फिलहाल हम उम्मीद करते हैं रेलवे से कि ये जल्द से जल्द ग्रुप डी और NTPC के एग्जाम करवा करके इस वैकेंसी को पूरा क्लियर कर ले, उसके बाद जो सिस्टम लाना होगा वो ला दे। फिलहाल मुझे ऐसा इसमें एक चाल ये भी लग रही रेलवे की कि इस एग्ज़ाम को लगता है जो कंपनी कंडक्ट करने वाली थी वो अब तक तो बता दिया गया था कि जल्द ही पूरी कर ली जाए, लेकिन वो जल्द कब होगा? क्या ये राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए इसको रोक के रखे हुए जानबूझ के हैं, या फिर वो भर्ती करना ही नहीं चाहती है, युवाओं को बिल्कुल ऐसे ही बेरोजगार मारना चाहती है? ऐसा नहीं पता, लेकिन इसमें गलती हम लोगों की भी है, हम लोग एक्टिव हैं नहीं बिल्कुल। तो आप बहुत सारा ऐसा चीज़ है, सोशल साइट है जैसे कि ट्विटर है, फेसबुक है, हर एक जगह पे आप इसके मजाक पर मत, हम लोग मजाक के बारे में बहुत सारा पोस्ट डालते हैं, फेसबुक पे हो, ट्विटर पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियो आता है, लेकिन हमको एक सीरियसली वीडियो बनाना पड़ेगा या फिर सीरियसली पोस्ट हमेशा हम लोग को डालते रहना होगा। हम लोग मतलब कि सिर्फ और सिर्फ हम नहीं, हमारे वीडियो को देखने में जितने भी सब्सक्राइबर हैं, जितने भी लोग हैं, कहीं भी अगर आपको सरकार के काम के प्रति अगर आपको फॉल्ट लग रहा तो उसको दूर करना या फिर उस पर सरकार का ध्यान आकर्षित करवाना आप लोगों का ही काम होना चाहिए। हम लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं जिसके वजह से सरकारें उल्टा सीधा काम करते हैं, जिससे कि पूरा देश भर में विरोध हो, दंगा हो, लोग हिंदू मुसलमान करते रह जाए, और सरकारों का सब समय ही तो सरकार का क्या है, एक बार चुनाव जीता, किसी तरह से 5 साल निकाल ले, अगला चुनाव के लिए फिर से एक नया भाषा दे देंगे, एक नया कुछ भी किसी भी मैटर पे एक बार चुनाव में वोट ले लेंगे, फिर से 5 साल के निश्चिंत। लेकिन काम तो, लेकिन अगर टाइम वो बर्बाद करते तो टाइम तो हम ही लोग का बर्बाद होता है ना, तो स्टूडेंट का टाइम बर्बाद होता है, इस देश का टाइम बर्बाद होता है। इसलिए मैं आप लोगों को एक जागरूक करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल जाग जाइए। हम लोग जो भी फेसबुक पे जो पोस्ट डालते हैं, हम लोग का जो फेसबुक जो हम पोस्ट डालते हैं वो क्या मकसद, किस मकसद से हम लोग फेसबुक पे कोई भी पोस्ट डालते हैं या फिर व्हाट्सएप पे कोई भी वीडियो या फिर स्टेटस लगाते हैं, वो सब किस लिए हम लोग शेयर करते हैं, क्यों? तो इसके लिए है ना कि हम इस देश के वासी हैं, इस देश में कहाँ पे क्या चल रहा है इसके बारे में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम गए आज घूमने के लिए सिर्फ हम वही चीज़ डालें, हम उसको भी डालें, लेकिन देश की समस्या आपके लिए बिल्कुल सबसे पहली समस्या होनी चाहिए। देशभक्ति ऐसी होनी चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त। मैं आपको एक छोटा सा कहानी बता रहा हूँ। जापान में एक जापानी और एक इंडियन की एक दोस्ती हो गई ट्रेन में, मतलब दोनों एक ही ऑफिस में जाते थे। ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप लोगों का दिमाग खोल देगा। वो देखिए दो दोस्त, मतलब कि मान लीजिए एक हमें एक जापानीज आदमी है जो कि जापान में हम लोग ऑफिस में ड्यूटी करते थे, और दोनों बिल्कुल ट्रेन से एक ही साथ जाते थे आसपास बैठ करके। एक दिन एक जापानी को 100 येन, जापान का जो मुद्रा होता है येन होता है, YEN येन, वो घट गया, तो उन्होंने इंडियन आदमी से वो लिया पैसा, 100 येन
इंडियन आदमी ने उसको दे दिया, ऐसे ही दे दिया। उसके बाद अगले दिन क्या हुआ कि वो जो इंडियन आर्मी था वो उसको देखा कि वो नहीं आया अगले दिन। उसके अगले दिन फिर से वो जापानी आदमी नहीं आया। फिर उसके अगले दिन फिर से वो जापानी आदमी नहीं आया। जब पाँच सात दिन बीत गया तो उसके बाद वहाँ पे एक तीसरा व्यक्ति भी यात्रा करता था जो कि उसके साथ ही लगभग में रहता था, वो भी जापानी था। वो उन्होंने उस इंडियन आदमी को पूछ लिया कि आप, मैं देख रहा हूँ दो चार दिन से आप किसी को खोज रहे हो लेकिन आपको मैं थोड़ा सा परेशान देख रहा हूँ, ऐसा क्या बात है? तो उस आदमी ने कहा, उस इंडियन आदमी ने कहा कि मैंने एक जापानी आदमी को मैंने 100 येन दिया था पैसा, उसके बाद वो दोबारा आया ही नहीं, मेरा पैसा वापस नहीं किया। तो उस जो जापानी आदमी जिसको पूछा था वो, उन्होंने क्या किया, बिना कोई एक्स्ट्रा सवाल किए अपना पर्स में से 100 येन निकाला, उस भारतीय आदमी को वो दे दिया। तो उस भारतीय आदमी ने कहा, नहीं नहीं आप ऐसा क्यों दे रहे हो, आप मुझे क्यों दे रहे हो, चलो छोड़ो कोई बात नहीं है, सो जाने दो। तो वो जापानी आदमी क्या बोला, वो बोला कि हो सकता है वो जापानी आदमी जो है वो मर गया होगा, हो सकता है उसका एक्सीडेंट हो गया, हो सकता है उसका कोई कुछ ऐसा मुसीबत आ गया होगा जिसके कारण वो नहीं आ पा रहा है। लेकिन जापानी चोर नहीं होते, वो धोखेबाज नहीं होते हैं वो। लेकिन तुम इंडिया से आए हो, तुम फिर दोबारा इंडिया में जाओगे, तुम हमारे जापानी के बारे में कुछ ऐसा बोलोगे कि हम एक जापानी था जिन्होंने 100 रुपया लिया, दोबारा हमको वापस नहीं किया, इसलिए तुम 100 रुपया लो और इस बात को यहीं पे रफा दफा कर दो। हो सकता वो मर गया होगा, लेकिन जापानी कभी किसी को धोखा नहीं देता। जापान के बारे में एक बात और है कि जापान के जो लोग होते हैं वो बहुत बड़ा देशभक्त होते हैं, वो अपने देश के नाम बचाने के लिए अपने पॉकेट से 100 रुपया दे देता है। लेकिन यही घटना अगर इंडिया में होती तो क्या बोलते, अरे तेरे को चूना लगा दिया, तुझको बोला था ना तुम किसी पे भरोसा मत करो, बिलीव मत करो, ऐसा नहीं। इस कहानी से सीखने को यही मिलती है कि हम लोगों को देशभक्त बनना चाहिए। और देशभक्त बनने का मतलब ये होता है कि अगर कोई चीज़ अच्छी चीज़ें हैं देश वो, तो उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसको बढ़ावा देना चाहिए। अगर देश और देश में कहीं पर भी कुछ भी गलत चीज़ें हो रही हो, उसको अपने लेवल से उसका विरोध करना चाहिए, लोगों को उसके प्रति जागरूक रहना चाहिए, उसको सचेत रखना चाहिए, तुम ऐसा बिल्कुल मत होने देना। तो ऐसा हम लोग कैसे कर सकते हैं, ना हम लोग के पास कोई बहुत बड़ी पोस्ट है ना कुछ भी है, लेकिन आपके पास एक ताकत है, वो ताकत है सोशल मीडिया। जो हम लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, हो सकता है आप उसके बारे में, आपका क्या राय है, आपका क्या ओपिनियन है उसके बारे में, हम कोई व्हाट्सएप का स्टेटस लगा दें कि ऐसा ऐसा हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपके दोस्त उस चीज़ को पढ़ेंगे, वो भी थोड़ा सा आपको समझने की कोशिश करेंगे, हो सके उसको भी, वो भी इसी तरह का कुछ सोच रहे हो तो वो भी आपके उस व्हाट्सएप स्टेटस का स्क्रीनशॉट लेके वो अपना व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा लें। इस तरह से थोड़ी सी बात फैल जाएगी। अब उसके बाद क्या होगा, हम यही सब बात हम क्या सोचते हैं इसके बारे में, अपना एक फेसबुक पे पोस्ट डाल सकते हैं उसके बाद, तो फिर वो पोस्ट आगे बढ़ेगी और जितने भी लोग आपके जैसे होंगे देशभक्त, वो सभी लोग उस पोस्ट से जुड़ जाएंगे और ये चीज़ देशों में बहुत जल्दी से फैल जाएगा और थोड़ी ना थोड़ी बहुत तो जागृत आएगी। तो यही सब बात था मेरा कहने का, था आप लोग सोशल मीडिया का बहुत ही अच्छी से इस्तेमाल कीजिए, इसका इस्तेमाल बहुत सही चीज़ों के लिए भी हो सकता है। तो आप लोग, मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग इसके बारे में और नई जानकारी क्या होगी आप लोग खुद पता कर सकते हैं और नई नई वेबसाइट पर जा कर के, और जैसे हमारे पास और भी नई जानकारी आएगी आपको हम ये सब चीज़ मुहैया करा देंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो रेलवे का जो सिस्टम चल रहा है ये बिल्कुल सही है और इसमें बदलाव नहीं होना चाहिए, कम से कम भर्ती को लेकर के। अब ये बोल रहा है UPSC के जरिए होगा, अब UPSC में कुछ, इसमें कुछ, इसमें कुछ, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रेलवे भर्ती बोर्ड अगर चाहे, रेलवे भर्ती बोर्ड बोलिए कि ये पूरा दुनिया भर में सबसे बड़ी संस्था है, इतनी बड़ी संस्था है, इतने ज़्यादा संख्या में यहाँ पे लोग काम करते हैं, इसको भर्ती के लिए इसको खुद एग्ज़ाम नहीं ले सकता क्या, ये इसको खुद भी तो एग्ज़ाम लेना चाहिए, इसमें एग्ज़ाम जो UPSC क्यों लेगा, UPSC अलग ही डिपार्टमेंट है, उसका अपना ही अलग तरीका है। लेकिन रेलवे भर्ती बोर्ड अगर इसके लिए, ये जो यहाँ पे जो IRMS किया, इंडियन रेल मैनेजमेंट सर्विस, तो इस मैनेजमेंट सर्विस में क्या एक ऐसा मैनेजमेंट नहीं आ सकता जो कि स्टूडेंट की भर्ती करे, अपने कर्मचारी की भर्ती करे? हो सकता है UPSC वाले
कुछ गलत कर्मचारी की भर्ती करके यहाँ पर डाल दे, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस तो रेलवे के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है, मुझे ऐसा लगता कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसके लिए अलग डिपार्टमेंट बनना चाहिए और वो इसका एग्ज़ाम ले, जैसा रेलवे भर्ती बोर्ड चल रहा है। तो ऐसा मुझे बिल्कुल टाइम वेस्टिंग लग रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। अगर आपको रेलवे भर्ती बोर्ड की तैयारी करनी है तो आप हमारे कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको तैयारी से संबंधित किसी तरह कुछ भी चाहिए, हेल्प चाहिए, किताबें चाहिए या फिर नोट्स चाहिए या फिर वीडियो कोचिंग या फिर डायरेक्ट कोचिंग, तो आप इसके लिए मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हमारे इस YouTube चैनल पे बहुत ही ज़्यादा वीडियो आने वाली है, सीरीज आने वाली है, तो इसलिए इसको वेट कीजिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आपको फिर से मिलते हैं किसी और वीडियो में। मुझे पूरा उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अगर कोई बात रह गई तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, उसके बारे में दोबारा से एक वीडियो हम बना के अपलोड कर देंगे। थैंक यू सो मच।